हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस पॉडकास्ट। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। तो लास्ट वीक जैसे मैंने कहा था, इस वीक भी हमने अच्छा खासा सेलिंग देखा निफ्टी में। निफ्टी जो है तो लास्ट में 1% नीचे बंद हुआ है, लगभग 150 पॉइंट के लॉस के साथ इस वीक में। और ये सेकंड वीकली लॉस था निफ्टी के लिए। निफ्टी ने जो है तो फिर से जो है 14,300 के नीचे के लेवल दिखा है, और वहाँ से जो है तो अच्छा खासा रिवर्सल भी दे दिया। लास्ट में जो है तो ऑन फ्राइडे हमने देखा है कि निफ्टी 14,608 पे बंद हुआ है, लगभग 300 पॉइंट या फिर 2% के गेन के साथ। तो यहाँ जो है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखा है हमने 14,300 के अराउंड। और जैसे मैंने कहा था वीकली चार्ट पे, अगर 14,300 टूटता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म करेक्शन में चला जाएगा। मगर 14,300 पे अच्छा खासा बाइंग आ रहा है मार्केट में। अगर 14,300 टूट जाता है और उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो ही हम नीचे के लेवल देखेंगे। तब तक जो है तो मुझे लगता है कि इसके अराउंड ही कंसोलिडेशन और करेक्शन होता जाएगा। आपको यहाँ जो है तो 14,300 के नीचे आपको एग्जिट कर जाना है। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग पोजिशन होगी या बाय पोजिशन होगी, या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है हर एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो यह लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि 14,300 जो है तो मेजर सपोर्ट रहेगा और मेजर लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इसके अराउंड ही जो है तो मार्केट कंसोलिडेशन और करेक्शन देगा। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो ही हम अच्छा खासा मीडियम टू लॉन्ग टर्म करेक्शन देखेंगे मार्केट में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है तो मेजर एवरेजेस को टच करने के लिए नीचे आया था। 14,600 के नीचे मैंने कहा था कि निफ्टी जो है तो बेरिश रहेगा। तो हमने नीचे के लेवल देखे, उसके ऊपर के भी लेवल देखे, मगर वहाँ सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी। और नीचे के लेवल जो है तो हमने लगभग 14,300 के अराउंड के लेवल देखे, और वहाँ से फिर से शॉर्ट कवरिंग आ गई। अभी नेक्स्ट वीक के लिए 14,600 जो है तो मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर उसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो हम फिर से 14,300 और 14,100 के लेवल देखेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए 14,600 के नीचे सेल ऑन राइज व्यू रखना है। आपके टारगेट रहेंगे 14,300 और उसके बाद में 14,100। तो ये दो टारगेट के लिए आप 14,600 के नीचे सेल ऑन राइज व्यू रखें। अगर 14,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम फिर से जो है तो एक बाउंस बैक देखेंगे जो लेकर जाएगा निफ्टी को 15,300 के तरफ। तो यहाँ आपको लेवल पे खेलना है, 14,600 के नीचे सेल और 14,600 के ऊपर बाय। और मुझे लगता है कि जैसा अभी सीनेरियो है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और फिर से जो है तो 15,300 की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो आपको 14,600 के ऊपर बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 14,500 के नीचे, छोटा स्टॉप लॉस है, और ऊपर जो टारगेट बनेंगे 15,000 15,300, ये आने वाले हफ्ते के लिए रहेंगे। और ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 14,600 का कॉल ऑप्शन जो है तो लेकर चल सकते हो विथ स्टॉप लॉस बिलो 14,500, और ऊपर जो टारगेट बनेंगे आपको लगभग जो है तो 50 to 100% गेन उस ऑप्शन में मिल सकते हैं। अगर निफ्टी जो है तो 15,000 15,300 के लेवल जो है तो टच करता है आने वाले हफ्तों में। तो देखते हैं, अगर उसके नीचे 14,600 के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस बार जो है तो फिर से जो है तो ट्राई करेगा निफ्टी 14,300 का लेवल तोड़ने के लिए। वो जब लेवल टूटेगा वो मुझे लगता है कि वो एक शार्प प्राइस एक्शन और स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ ही होगा। जब तक वो नहीं आता है तब तक 14,300 जो है तो होल्ड करता रहेगा मार्केट, और उसके नीचे फिर जो है तो हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म करेक्शन देख सकते हैं। तो आई होप सो कि इस हफ़्ते आपने जो है तो शॉर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा, और आने वाले हफ्तों में शायद अगले हफ्ते जो है तो लॉन्ग करके आपके पैसे बनेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।